इस वीडियो की सहायता से हम आपको सत्यापित करके दिखाएंगे कि कोशक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है तो उसके पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज में थीटा बराबर क्या होता है बटे लंब होता है काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर् कास्ट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर् टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार तो इन सब का काम नहीं लगेगा सिर्फ कोशक और काट का, का काम लगेगा तो कोशक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब अब आइए इसके साथ हम कुछ और बात जान लेते हैं किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का एक परमीय है कि कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये पाइथागोरस परमीय है अब यहां से अगर हम लंब का स्क्वायर निकालें लंब का स्क्वायर निकालें इतना बराबर क्या होगा तो इसको इधर लाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बाएं तरफ है कर्ण का स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ये पाइथागोरस परमीय है इस सूत्र को आप याद कर लीजिए उसके बाद में इसको आप बना सकते हैं अब चलिए हमें जो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कोशेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा माइनस कार्ट स्क्वायर थीटा बराबर एक तो हम बाएं पक्ष से हल करेंगे और दाया पक्ष लाएंगे तो चलिए बाया पक्ष हल करते हैं एल एच एस से बाया पक्ष यही है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कार्ट स्क्वायर थीटा कोशक स्क्वायर थीटा चूंकि कोशक थीटा बराबर होता है कड़बे लंब तो यहां लिखेंगे कर् बटे लंब कर्ण ऐसे का बना देंगे बटेल लंब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस कार्ट स्क्वायर थीटा कार्ट थीटा बराबर होता है आधार बटेल लंब आधार बटे लंब इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हमें दाया पक्ष लाना है अब चलिए यहां पे वर्ग करते हैं कर्ण का वर्ग हो जाएगा कर्ण का वर्ग और यहां नीचे हो जाएगा लंब का वर्ग माइनस यहां पे करते हैं वर्ग आधार का वर्ग हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर अब इसमें से इसको घटाना है ये भिन्नों का घटाव है हर का लाशा लेंगे हर समान है तो लंब का स्क्वायर आएगा और यहां हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आप यहां पे बराबर लगाते रहिए अब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यहां पे देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर हमने निकाला था लंब का स्क्वायर ये पाइथागोरस परमी होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर उसी से लंब का स्क्वायर निकाल लिया गया तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर तो ऊपर हम लिखेंगे इतने की जगह पर लंब का स्क्वायर बटे नीचे यहां लंब का स्क्वायर है लंब का स्क्वायर अब ये और ये कट जाएंगे तो बराबर आ जाएगा एक तो आपका दाया पक्ष आ गया आर एच एस आर एच एस इस तरह से सत्यापित हो गया कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कहते हैं जय हिंद जय भारत